छत्तीसगढ़ की धरती पर राहुल गांधी को ब्रह्मज्ञान हुआ कि देश में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही है। कर्नाटक की हार के बाद राहुल का दिव्य चक्षु खुल गया और उन्हें लगने लगा कि मोदी राज में हिंदुस्तान तो पाकिस्तान बन गया। इतना ही नहीं, भारत में लोकतांत्रिक सरकार के रवैये की दुहाई देते देते राहुल गांधी पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सात समंदर पार अफ्रीका पहुंच गए। हम अपना काम नहीं कर पा रहे, पहली बार किसी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक देश में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ, अफ्रीका के अलग अलग देशों में हुआ। कभी कोई जनरल आ जाता है, प्रेस को कोर्ट्स को दबा देता है, मगर हिंदुस्तान में 70 सालों में पहली बार हुआ। राहुल की बातें बीजेपी को नागवार गुजरी। सत्ताधारी पार्टी ने जुबानी तोप का मुंह राहुल गांधी की तरफ खोल दिया। आपातकाल किसने लगाया राहुल गांधी? जजेस को सुपरसीड किसने किया? मीडिया पर पाबंदी किसने लगाई? निर्दोष लोगों को जेल में किसने बंद किया? लोकनायक जयप्रकाश को जेल में किसने बंद किया? मुझे लगता है कि इसका तो बुद्धि नाश हो गया है और संतुलन पूरा खो दिया है, क्योंकि अब इसको लगता है कि सब कहने लगेंगे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी दिन प्रतिदिन नीचे जाएगी, इसको हटा दो। वैसे राहुल गांधी की बौखलाहट कर्नाटक में बीजेपी के हाथों सियासी बाजी हारने पर है। यही वजह है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी ट्वीट कर राहुल गांधी को जनता के जनादेश का हवाला दे रहे हैं।